ये वीडियो ऐसे दिव्यांग की कहानी है जो अपने परिवार और अपना देखभाल करने के लिए पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर गया लाइन में मूंगफली बेचते हैं। और आप इनका कंडीशन देख सकते हैं, इनको सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा मदद नहीं मिल रहा है, भैया ने ये बताया। और ये वीडियो मैंने उनके परमिशन से रिकॉर्ड किया था, ये कुछ दिन पहले का वीडियो है। कैसे दिए भैया? 10 रुपये का? देखो दे दीजिएगा। कितना कमा लेते हैं 3 बार भैया? 250 हो जाता है। 250-250। और यहीं पे बैठते हैं? 25 साल से। अच्छा, 25 साल से। आप ऐसा होकर भी है ना, आप है ना, बहुत सारे लोग है ना रहते हैं पैर से तंदुरुस्त शरीर से, फिर भी भीख मांगते हैं, तो क्या बोलिएगा उन लोग को? उन लोगों के लिए कुछ बोलिए। मॉरल चलता है, हाँ चलता है, बढ़िया बढ़िया। हाँ हम ऐसे मेहनत करके खाते हैं। सही कर रहे, अच्छा कर रहे हैं। क्या क्या 25 साल से बेच रहे हैं? 25 साल से यहाँ पे 100 ग्राम से दाम? नहीं, अच्छा चीज़ कर रहे हैं, मेहनत से कमाना अपना है ना, ज़्यादा सही है। बैठा रोजगार काम है? हाँ बैठा रोजगार दिया ये क्या बैठा रोजगार मिल जाएगा? कभी ना मिलता है। ये वैसे लोगों के लिए भी मिसाल है जो ये भैया, वैसे लोगों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना सारा अंग होने के बावजूद भीख मांग कर गुजारा करते हैं और काम करने से भी कतराते। सो ये भैया उन लोगों के लिए मिसाल हैं और उन लोगों को शर्म आना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए कि कोई भी काम छोटा है और कोई भी काम छोटा नहीं होता है। और विपरीत परिस्थिति में के बावजूद अपने और अपने परिवार का भरण पोषण किस तरह से किया जाता है, इसके लिए उनको सलाम। और ये वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं, इनको मदद दे सकते हैं, इसके लिए उनको नमन है। मेरा बिहार सरकार और उच्च डिपार्टमेंट से ये अनुरोध है कि इनका सहायता किया जाए।